नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। शिक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 29 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं, आज इतिहास से हमारी शुरुआत होती है, प्राचीन भारत का इतिहास। ये लंबे समय से प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग घुसे पड़े हैं, तो सिलेबस जिस आधार पे हम देखते हैं या जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे एरिया को हम कवर कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास को नहीं छुएंगे, वहाँ से भी हम प्रश्नों को देखेंगे, वहाँ से भी हम जो फैक्ट है उन्हें कवर करेंगे, उतनी ही पर्याप्त मात्रा में करेंगे जितना कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास को देखा है। अब यहाँ भागवत धर्म को देख लेते हैं। इससे पहले हमने बुद्धिज्म, जैनिज्म और तमाम चीज़ों को देखा है। सनातन सभ्यता में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, ये तो आप जानते हैं। तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के जो उपासक हैं वो भागवत कहलाते हैं, भागवत धर्म से जुड़े हुए लोग कहलाते हैं। तो भागवत धर्म में वासुदेव की पूजा का उल्लेख ये महर्षि पाणिनी के द्वारा किया गया है। पाणिनी की अष्टाध्यायी जो कि एक संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, उसमें तत्कालीन समाज की स्थिति का भी पता लगता है, तो वहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। और उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है, मतलब वासुदेव से संबंधित। आप ये तो जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण के जो असली माता पिता थे वो माता देवकी थी और पिता वसुदेव थे। कंस ने दोनों को कारागार में पकड़कर बंदी बना लिया था, वहीं पर भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो वसुदेव के पुत्र होने की वजह से इनको वासुदेव कहा जाता है। तो इन्हें वासुदेव मतलब भगवान विष्णु का ये जो अवतार है, कृष्ण अवतार है, इसे वासुदेव कहा गया और इनके जो उपासक हैं इन्हें वसुदेवक कहा गया। धर्म का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भगवान कृष्ण जहाँ के थे, मतलब जहाँ इनका जन्म स्थान है वहीं से होगा। तो मथुरा का क्षेत्र पूरा, यानी जो शूरसेन महाजनपद पहले कहा जाता था, वो पूरा इलाका कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ। यूनानी राजदूत मेगस्थनीस था जो कि मौर्य वंश में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की यात्रा करता है। तो उसके हिसाब से शूरसेन महाजनपद यानी मथुरा के लोग जो थे वो हेराक्लीस की पूजा करते थे। अब इन्हें वासुदेव और भगवान कृष्ण ये सब समझ में नहीं आता था, बोलने नहीं आता था, तो वो अपनी भाषा में अपने हिसाब से रूपांतरण करके बोलते थे, तो इसीलिए हेराक्लीस। अब ये जो हेराक्लीस शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये वासुदेव के लिए ही यूज़ किया गया, मतलब भगवान कृष्ण के लिए ही इस शब्द को इस्तेमाल किया गया। और मथुरा में ये धर्म पहले पनपता है, मतलब मथुरा में ये जो पूजा का चलन है ये पहले पनपता है और धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में भी फैल जाता है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम भागवत धर्म से संबंधित यहाँ थोड़ा सा आप सुधार कर लें, जो पहला उपलब्ध प्रस्तर अभिलेख है ये एक स्तंभ लेख है जो कि गरुड़ स्तंभ लेख कहा जाता है और ये विदिशा का है, बेसनगर का है, मतलब बेसनगर विदिशा वही एक ही स्थान का नाम है। इससे ये मालूम होता है कि तक्षशिला का यवन राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस और इसने भगवान विष्णु से प्रभावित होकर भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। स्तंभ की स्थापना वही करवाता है और इसमें जो उत्कीर्ण लेख है उसमें हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है और भगवान वासुदेव को देवदेवस यानी देवताओं का देवता कहा गया है, तो ये शब्द इस्तेमाल हुए। महाक्षत्र षोडशकालीन मोरा ये पाषाण लेख जो मथुरा वाला है इसमें पंचवीरों का उल्लेख मिलता है। पंचवीर कौन कौन से थे? तो यादव कुल के पंचवीर यानी संकर्षण अर्थात बलराम जी, उसके अलावा वासुदेव अर्थात भगवान कृष्ण खुद, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध, ये क्रमशः आगे की वंशावली भगवान कृष्ण की है। मतलब प्रद्युम्न जो है वो कामदेव के अवतार माने जाते हैं और ये भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र थे। इसके बाद इनके पुत्र थे सांब और उसके बाद इनके प्रपौत्र थे अनिरुद्ध, तो ऐसे चलता रहता है। मतलब ये जो पूरी वंशावली है इन्हें पंचवीरों के नाम से, पांच नाम जो आप देख रहे हैं इन्हें पंचवीर कहा गया है। और इनकी पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख भी हमें जो महाक्षत्रप का अभिलेख है उससे प्राप्त होता है। इसके बाद कुषाण वंशीय जो शासक है उसमें चलते हैं, तो आप कनिष्क का देखते हैं कि वो महायान बौद्ध धर्म का मतावलंबी था, लेकिन उसके बावजूद उसकी पूरी जो वंशावली है उसमें हुविष्क ये कुषाण वंशी शासक, इसने वासुदेव द्वारा मतलब हुविष्क और वासुदेव इन दोनों के द्वारा विष्णु पूजा का पता लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस पूरे राजवंश में भी वासुदेव की उपासना होती थी, भगवान विष्णु की उपासना होती थी। गुप्त नरेश जो है वो वैष्णव मत के अनुयायी थे, मतलब ज़्यादातर गुप्त राजा ये वैष्णव मत को मानने वाले थे और इन्होंने इसे अपना राजधर्म बना लिया था। और अधिकांश गुप्त शासक जो है वो परम भागवत की उपाधि को धारण करते थे। विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़, तो ये गुप्त शासकों का राज चिन्ह था, मतलब गुप्त शासक इसे अपना राजकीय चिन्ह भी मानते थे, राज चिन्ह के तौर पे इस्तेमाल करते थे गरुड़ के चिन्ह को। मेहरौली स्तंभ लेख में ये उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वजा की स्थापना कराई थी और स्कंदगुप्त का जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है गाजीपुर जिले में है वहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का भी ब्यौरा मिलता है।
अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर सिंह कौन थे, ये नौ रत्नों में से एक थे, विक्रमादित्य के दरबार के जो नौ रत्न थे उसमें से एक थे, और ये ग्रंथकार थे, इनका नाम, इनके ग्रंथ का नाम है अमरकोश। इसमें भगवान विष्णु के 39 नामों का उल्लेख दिखाई देता है, और वेंगी के जो चालुक्य शासक है उसमें आप देखते हैं कि वैष्णव मत ही ज़्यादातर दिखाई देता है, हालांकि कुछ उसमें से अपवाद है लेकिन अधिकतर उसमें से वैष्णव मतावलंबी है। और गुप्तों के समान इनका भी जो राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ था। राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग, इसने एलोरा में दशावतार नाम का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बनवाया था। दशावतार किसके? भगवान विष्णु के। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जो कथा मूर्तियां हैं, जैसे कि वामन अवतार है, वराह अवतार है, कूर्म अवतार है, कछुए का अवतार उन्होंने धारण किया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो पर्वत जो कि मथानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था वो समुद्र की सतह पर जम ही नहीं रहा था, पानी में फ्लोट कर रहा था, तो उसको स्थिर करने के लिए नीचे कोई कड़ा आधार चाहिए था, तो कछुए की खोल काफ़ी कड़ी होती है आप जानते हैं, तो भगवान विष्णु कछुए का अवतार बनाकर नीचे बैठ जाते हैं और उसी मतलब उनकी पीठ पर उस पर्वत को रखकर मथा जाता है। तो इतना भारी भार उन्होंने वहन किया था, इतना कष्ट झेला था, वो अवतार है। इसके अलावा वामन अवतार आप जानते हैं, महाराज बलि का अहंकार चूर करने के लिए बौने का अवतार धारण करते हैं, तीन पग जमीन नापते हैं। उसके अलावा मत्स्य अवतार सबसे शुरुआती माना जाता है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, तो उसमें आप देखते हैं बड़ी सी मछली का रूप धारण करके महाराज मनु और मानव सभ्यता की रक्षा भगवान विष्णु करते हैं। तो इन्हें पालनहार का दर्जा तो वैदिक इतिहास में भी मिलता है। बाद में ये जो पौराणिक काल आप देख रहे हैं, ये सब पौराणिक बातें हैं जो आप यहाँ सुन रहे हैं ना, ये पौराणिक बातें हैं। तो पौराणिक इतिहास भी उसी आधार पे लिखा गया है, थोड़ा सा उसमें महिमा मंडन कुछ चीज़ों का ज़्यादा किया गया है, कुछ की महिमा को कम करके आंका गया है। तो कुल मिलाकर ये दशावतार मंदिर जो है ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूरी कथा सुनाता है। क्षेमेंद्र का एक ग्रंथ है, मतलब रचना आप कह सकते हैं, दशावतार चरित, और इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का पूरा विधिवत ब्यौरा दिया गया है। अलवार और नैनार साधु जो दक्षिण भारत के हैं उनके बारे में आप जानते हैं, तो अलवार जो है ये वैष्णव मतावलंबी है, और बाकी नैनार उनकी संख्या भी ज़्यादा है और उनकी तादाद ऐसे भी ज़्यादा है, तो वो शैव मतावलंबी है। तो अलवार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का मतलब क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति, और ये बाद में आते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। भागवत तथा इसी को देखें, भागवत धर्म को ही पांच रात्र धर्म भी कहा जाता है। इसमें भगवान कृष्ण की उपासना का पूरा विधान है, और तीन अन्य व्यक्तियों की भी उपासना का प्रावधान इसमें दिखाई देता है। एक तो बलराम जी, कहा जाता है कि वो भगवान शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग को आप जानते ही हैं, सर्पों में शिरोमणि, वैसे तो तक्षक को नागों का राजा कहा गया है, लेकिन शेषनाग जो है वो अपने कर्मों के बूते सबसे ऊपर रखे जाते हैं। पाँच फनों वाला जो इनका पूरा मुंह हम देखते हैं, मूल रूप से पांच फन ही दिखाई देते हैं, और कहा जाता है कि इनके जो मूल फन इनका है उस पर धरती को टिका कर रखा गया, धरती को स्थिर करके रखा गया। ये सब कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं। और भगवान विष्णु की शैया का ये काम करते हैं, पूरा अपना बिछौना बना के कुंडली मारकर बैठे हुए हैं उस पर, भगवान विष्णु अपना योग निद्रा में लीन है, माता लक्ष्मी उनके पैर के पास बैठी हुई। तो ये सारा सिस्टम जनरेट होता है। तो उसमें संकर्षण नाम के जो ये व्यक्ति हैं, इनको बलराम, संकर्षण अच्छा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये हैं तो मूल रूप से देवकी के ही पुत्र, लेकिन पहले के समय में जो पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं और उसके आधार पर तमाम सीरियल भी बने हैं, तो आप जानते ही हैं भगवान कृष्ण की जन्म गाथा। कंस पूरी प्रतिज्ञा किया रहता है कि आकाशवाणी को असत्य बनाना है, मतलब मारने वाला जो है वो देवकी के गर्भ से पैदा होगा तो सारे पुत्रों को मार देना है, तो वो किसी को बख्श नहीं रहा था। और देवकी जब गर्भवती होती है सातवीं बार, तो उस समय कंस एकदम चक्कर में रहता है कि अभी पुत्र पैदा होगा तो मारेंगे तुरंत, तो इसलिए देवता जो है वो मतलब योग माया वो उस शिशु की रक्षा के लिए उसे देवकी के गर्भ से सीधा सीधा रोहिणी के यहाँ पहुँचा देती है। तो माता रोहिणी के गर्भ से इनका जन्म होता है। कुल मिलाकर ये संकर्षण की प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से एक माता के गर्भ से शिशु को खींचकर दूसरी माता के यहाँ पहुँचाया गया था। तो संकर्षण की प्रक्रिया से ये जन्मे थे, इसलिए इन्हें राम नाम दिया गया। बाद में ये बहुत बलशाली थे, संकर्षण के नाम से ये पुकारे ही जाते थे, तो जब बहुत बलशाली दिखाई दिए तो इन्हें बलराम कहा गया। ये बड़े भाई थे, वसुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। वसुदेव की कई रानियां थी, उसमें से देवकी थी और रोहिणी भी उन्हीं की पत्नी थी। इसके बाद भगवान कृष्ण और माता रोहिणी के पुत्र थे प्रद्युम्न, ये आप देख रहे हैं, अनिरुद्ध जो है वो प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो कुल मिलाकर ये तीन व्यक्तियों की उपासना की जाती है। सांब इत्यादि की उपासना नहीं की जाती है, क्योंकि सांब जो है बाद में उनका कर्म भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा, शाक्त संप्रदाय को आप देख रहे हैं, शक्ति के उपासक ये होते हैं, सीधी बात है, और ये कौल मार्गी या वाम मार्गी होते हैं। पंच मकारों को इसमें काफ़ी बल दिया जाता है, हालांकि पंच मकारों की बहुत भरकर निंदा भी की गई है। और इस धर्म में कुंडलिनी को एक विशेष शक्ति माना गया है। योगासन जो हम करते हैं उसमें कुंडलिनी को वैसे भी प्रमुखता दी जाती है, और सबके वश की बात नहीं होती है कि कुंडलिनी को जागृत कर ले। बहुत समय पहले जो 90 का दशक था उसमें शक्तिमान नाम का एक धारावाहिक आता था, आप भली भांति परिचित होंगे, तो उसमें शक्तिमान की शक्ति का स्रोत क्या था? वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेता है। आप देखते हैं ना, वो हाथ जोड़कर फिर ध्यान लगाता है तो पीछे उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ कुंडलिनी के चक्र दिखाई देते हैं नीचे से ऊपर तक। तो कुंडलिनी की जो शक्ति है वो हमारी मेरु रज्जु में निहित होती है और वहीं से वो जागृत होती है। तो कुल मिलाकर वो कुंडलिनी की जागृति पर इसमें विशेष बल दिया जाता है, मतलब साधना को तब साकार माना जाता है जब कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाए।
और मार्कंडेय पुराण जो कि देवी से जुड़ा हुआ है, इसमें दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य का उल्लेख मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अक्सर नवरात्रि में करते हैं, उसमें कुंजिका स्त्रोत है और तमाम चीज़ें हैं, तो वो सब कहाँ से लिया गया है? वो मार्कंडेय पुराण का ही एक अंश है, तो उससे हमें देवी की महिमा का पता लगता है। और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन, उसमें महादेवी के 108 नाम, और कूर्म पुराण जिसमें कि भगवान विष्णु के कछुआ अवतार की चर्चा है, तो उसमें 1000 नाम दिए गए, तो देवी के अनगिनत नाम है, ऐसे आप समझ सकते हैं। शाक्त संप्रदाय हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक, आदिशक्ति अर्थात देवी की उपासना करने वाला संप्रदाय, और इसमें सर्वशक्तिमान देवी को बताया गया है कि मतलब जब कोई राक्षस देवताओं से कंट्रोल में नहीं होता था तो देवता अपनी पूरी शक्ति को संयुक्त करके, किसी एक देव की शक्ति नहीं, सारे देवताओं की शक्ति को संयुक्त करके एक नारी प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। ठीक है, नारी प्रतिरूप का निर्माण करते हैं और उसको पूरी शक्तियाँ अपनी सौंपते हैं, अपना पूरा सानिध्य देते हैं ताकि वो संहार करे, और उसके बाद फिर दुष्ट दानवों का विनाश करती हैं देवी। तो ये पूरे देवताओं की या पूरे जितने भी ईश्वर समुदाय कहे जा सकते हैं सनातन धर्म में, उनका शक्ति का संयुक्त रूप। तो शाक्त संप्रदाय जो है वो 3 अलग अलग हिस्से जो सनातन धर्म में बटे हुए हैं उसमें से प्रमुख माना जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हिंदुओं के श्रुति तथा स्मृति ग्रंथ जो है उसमें शाक्त परंपरा का प्रधान ऐतिहासिक आधार भी दिखाई देता है। देवी महात्म्य, देवी भागवत पुराण, शाक्त उपनिषद हैं, जैसे देवी उपनिषद हैं, ये सब उन्हीं आस्थाओं पर बनाए गए हैं। वैष्णववाद, ये भगवान विष्णु की उपासना, शैववाद जो है वो भगवान शिव की उपासना, और शाक्तवाद जो है वो देवी के शक्ति स्वरूप की उपासना का ब्यौरा देता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को देवी के रूप में पहले नहीं पूजा जाता था, जो हमारी सबसे मूल सभ्यता है, आर्य तो बाद में आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारी देशी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, जो कि भारत में ही पनपी थी। तो यहाँ पर मातृदेवी की उपासना का चलन पहले से ही है, और मातृसत्तात्मक समाज भी था, तो देवी तो पहले से ही थी, लेकिन उनको ज़्यादा प्रचुरता मिली, ज़्यादा प्रमुखता दी गई ये पौराणिक काल में। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ कुछ और पुराणों का उल्लेख है, जैसे कालिका पुराण है, तो कालिका पुराण जो है ये शाक्त धर्म से संबंधित है, और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि इसमें कली पुराण भी इसको कहा जाता है, कालिका पुराण को कली पुराण का भी नाम दिया जाता है। हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 महापुराण है, उसमें से ये एक गिना जाता है, और इसका संकलन असम क्षेत्र में किया गया है, तो इसमें कामाख्या देवी का ब्यौरा प्राप्त होता है। ठीक है, कामाख्या देवी काली मतलब मूल रूप से माता सती पार्वती का ही रूप है, तो दिव्य शक्ति का जो वर्णन उनका है वो यहाँ से प्राप्त होता है। शैव धर्म के साथ साथ शाक्त धर्म का बहुत घनिष्ठ शिव शक्ति का आपस में संबंध है, तो शैव धर्म और शाक्त धर्म आपस में काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, और शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान ही प्रागैतिहासिक युग से है। आप देखते हैं ना, लिंग और योनि की पूजा होती है, मातृदेवी की उपासना होती है, पशुपति शिव की सील प्राप्त होती है, तो ये सब आदिदेव हैं, आदिदेवियाँ हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है, और कोलकाता का जो काली देवी का मंदिर है, आप जानते हैं काली देवी कैसी है, उग्र है, प्रचंड है, तो वो उग्र स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब देवी हमेशा एक रूप में नहीं रहती। और असम का कामाख्या देवी जो मंदिर है ये काम रूप का प्रधान है, मतलब जो काम रूप है उससे भी, यहाँ काम रूप का मतलब बुराई से नहीं है, काम रूप असम का पुराना नाम भी है। ठीक है, यहाँ पे जादुई लोग रहते थे, तिलस्मी लोग रहते थे, और उससे भी पहले ये राक्षसों का एरिया हुआ करता था, महाबलीपुरम और शोणितपुर जैसे इलाके थे इधर। ठीक है, दैत्य इधर रहा करते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर जादू टोना और तंत्र मंत्र की भी विद्याएं प्रचलित होती हैं, तो ये कामाख्या देवी मंदिर जो है ये काम प्रधान रूप है, और सृष्टि के सृजन का यहाँ से ब्यौरा दिखाई देता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का जो लेख है, पालवंशी शासक बंगाल से जुड़े हुए थे, तो इनके लेखों में दुर्गा का जो महिषासुर मर्दिनी और कांचन देवी अम्बा इत्यादि नाम है उसका उल्लेख प्राप्त होता है। अमोघ वर्ष ये महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था, ये राष्ट्रकूट शासक है, आप जानते ही हैं। श्रीहर्ष ने अपना ग्रंथ लिखा था नैषधीय चरित, उसमें सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया गया था, देवी सरस्वती का आवाहन किया गया था। संप्रति शाक्त धर्म की उपासना के 3 प्रमुख, संप्रति का मतलब होता है इसलिए या इस आधार पर। ठीक है, तो शाक्त उपासना या शाक्त धर्म की उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हमें दिखाई देते हैं, एक तो कश्मीर है, उसके अलावा कांची है, और असम तो है ही। तो असम में जो कामाख्या है वो कौल मत के आधार पे स्थापित किया गया केंद्र है, मतलब वो कौल मतावलंबी। अब इसके बाद थोड़ा सा भारतीय राज्य व्यवस्था को देख लेते हैं, और इसमें हमने संविधान की प्रस्तावना से शुरुआत की थी, यहाँ हम देखने वाले हैं मूल अधिकारों को। तो आप जानते ही हैं कि मूल अधिकारों का ब्यौरा ये संविधान के भाग 3 का जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का हिस्सा है वहाँ पर मिलता है, मतलब ये पार्ट वाइज अगर देखा जाए तो संविधान का भाग 3 है और अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 तक का है। इसके संबंध में संविधान निर्माता जो अमेरिकी संविधान है उससे प्रेरित है, मतलब अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर जो अधिकार का विधेयक है वहाँ से प्रेरित होकर हमने मूल अधिकार को अपनी अपना जो संविधान है उसमें शामिल किया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मतलब पूरे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि सर्वथा उचित भी है, क्योंकि इसमें लंबी और विस्तृत सूची में जो न्यायोचित मूल अधिकार है उनका ब्यौरा हमें दिखाई देता है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना बड़ा ब्यौरा या बड़े पैमाने पर हमने विवरण दिया है वो सिर्फ हमारे ही संविधान से प्राप्त होता है, उतना किसी और देश के संविधान में नहीं मिलता है, अगर कहीं जिक्र भी है तो इतना विस्तृत जिक्र नहीं प्राप्त होता है।
चाहे वो अमेरिका से जो स्रोत है हमारा अमेरिका का संविधान, वहां से भी नहीं। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में कुछ गारंटी दी गई। ये क्या है? व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में एक तरह की गारंटी है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को एक साथ समाहित किया गया है। मूल रूप से संविधान के 7 मूल अधिकार थे, मतलब शुरुआती जब हम मूल अधिकारों को देखते हैं तो इनकी संख्या क्या थी? 7 थी, आप भी जानते हैं। 7वां हटा दिया गया है, उसको एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक था, ठीक है। समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का था, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से लेकर 22 तक था। मतलब संविधान में मौजूद है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक लगातार हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है वो 23 से लेकर 24 तक है, और धर्म की आज़ादी का अधिकार जो है वो 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 से लेकर 30 तक है, मतलब अनुच्छेद 29-30। और संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया, मतलब बाहर कर दिया गया कि यह मूल अधिकारों की कैटेगरी में नहीं है, ये वैधानिक अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 31 था। बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 है। हालांकि संपत्ति वही बताया जा रहा है कब हटाया गया, तो 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1978 वाला, उसी के माध्यम से मूल अधिकारों की लिस्ट से इसको हटाकर कहां पर ले जाया गया, तो ये अनुच्छेद 300 क है, ठीक है, अनुच्छेद 300 क है, उसके तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, और ये है भाग 12, इसे आपने देखा। तो कुल मिलाकर 6 मूल अधिकार है। और नेहरू रिपोर्ट 1928 वाली जो है इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की गई थी कि भारत के संविधान में या भारत का जो भावी संविधान है वहाँ पे मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। अर्नेस्ट बार्कर, इनका कथन था, यहाँ आप देख रहे हैं कि अधिकार के बिना कर्तव्य उसी प्रकार के हैं जैसे कि मनुष्य बिना परछाई के। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति से चाहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभाए, कर्तव्य का पालन करें, तो पहले आपको कुछ अधिकार तो उसको देने पड़ेंगे। उसके पास अगर कोई हक ही नहीं रहेगा, अधिकार ही नहीं रहेगा, तो वो किस तरीके से अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने कर्तव्य का पालन कर पाएगा? तो पहले नागरिकों को उनका हक दीजिए, फिर उनसे अपेक्षा करिए कि वो कर्तव्य पालन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ जो यह अवधारणा है ये सही भी है, और इसीलिए मूल अधिकार है उनको शामिल भी किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो संविधान की आत्मा और हृदय है। इसमें मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रभावशाली उपाय को दिया गया है, मतलब ये कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसमें क्या रास्ता निकलता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की अपनी रिट होती है, तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की ही बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति होती है। कौन कौन सी रिट होती है वो भी हम देखेंगे। मूल अधिकार असीमित नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकार दे दिए गए तो अनलिमिटेड है, चलते रहेंगे। ये वाद योग्य होते हैं, मतलब इन पे वाद किया जा सकता है। राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है, प्रतिबंध सीधे सीधे नहीं लेकिन युक्ति के साथ लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। मतलब राज्य अगर इसमें हस्तक्षेप करता है और कोई व्यक्ति, मतलब कोई भारत का आम नागरिक कोर्ट तक पहुंचता है, तो इस पर फिर बहस होती है और उसके बाद फैसला किसी के भी पक्ष में आ सकता है। मूल अधिकार न्यायोचित है, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं अगर इनका हनन किया जा रहा हो। मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी गई है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है, ये आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां पर अपील लेकर जाए, ठीक है। मतलब उच्चतम न्यायालय भी सीधा सीधा जा सकता है, मतलब किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों को छीना जा रहा है, किसी भी माध्यम से उसका हनन हो रहा है, तो वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर उसका दरवाजा खटखटा सकता है, क्योंकि अंतिम रक्षक तो वही है। ये आवश्यक नहीं है कि वो उच्चतम न्यायालय तभी जाए जब उच्च न्यायालय में इसका उल्लंघन किया गया हो या यहाँ उसकी सुनवाई ना हुई हो, ये कहने का मतलब। मूल अधिकार स्थायी नहीं है, ये हमने पीछे भी देखा था, निरंकुशता इसमें नहीं है। संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत कर सकती है, कोई साधारण विधेयक पास करके नहीं किया जा सकता है। मतलब जो संविधान संशोधन अधिनियम का तरीका है उसके माध्यम से होगा, और ये संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना ही किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं आप परिवर्तन कर सकते हैं कि संविधान ही पलट जाए। अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 के हिसाब से क्या होता है कि लोक नियुक्ति के मामले में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या किसी और आधार पे, मतलब कोई भी व्यक्तिगत आधार जो है उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और देखिए अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हुए हैं जो कि थोड़ा अलग है। तो किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा, इसमें से किसी भी आधार के आधार पर राज्य के द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी शैक्षणिक संस्थान है तो वहाँ प्रवेश से वंचित नहीं करेंगे। अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 क्या है? सभी अल्पसंख्यक चाहे धर्म या भाषा के आधार पे हों, उन्हें अपनी अपनी पसंद के, मतलब उनकी स्वेच्छा से उन्हें जो पसंद हो उसके शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। मतलब वो उसे स्थापित कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं।
और अनुच्छेद 31 क्लॉज 1 के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित भी नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ये भी कहा गया कि मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक और अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। ये कैसे हैं? प्राकृतिक हैं, नैसर्गिक। आपातकालीन स्थिति में ही अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। ये वाद योग्य है, संविधान में इसी रूप में इन्हें शामिल किया गया है। अमेरिका का जो अधिकार बिल है वहीं से इनको उठाया गया, मतलब प्रेरणा वहीं से ली गई, लेकिन विस्तार अमेरिका वाले संविधान में भी इतना ज्यादा नहीं है। भारत के संविधान में इन्हें ज्यादा डिटेल में रखा गया है। भारतीय संसद के द्वारा जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1955 वाला, यहाँ आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को, छुआछूत जो है और इससे भी संबंधित एक मौलिक अधिकार है, तो अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। मतलब अगर छुआछूत की जाती है किसी के साथ तो ये दंड के योग्य अपराध है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसमें दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली, इसका संचरण मतलब यहाँ आप देख रहे हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, तो उसमें दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में जो संचरण शब्द है, संचरण का मतलब चलायमान रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो कहीं भी जाने का अधिकार, मतलब किसी भी व्यक्ति का कहीं भी जाने का अधिकार, विदेश भ्रमण भी उसमें शामिल होता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का 44वां जो संशोधन हुआ था, 44वीं बार जब सुधारा गया था संविधान को 1978 में, तो उस समय संविधान का जो संपत्ति का अधिकार था इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के 300 क्लॉज का जो है उसमें विधिक अधिकार की श्रेणी में, कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। न्यायिक संरक्षण के लिए जो मतलब यहाँ देख रहे हैं आप, मूल अधिकारों का जो न्यायिक संरक्षण हेतु 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को शक्ति, अब यहाँ जो उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्राप्त होती है वो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, और जो उच्चतम न्यायालय का ये आपने देखा, और जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है उसको किस तहत शक्ति प्राप्त होती है न्यायिक संरक्षण अगर मूल अधिकारों को देना हो, तो जो हाई कोर्ट है उसके पास किस आधार पे पावर है, उसके पास अनुच्छेद 226 के आधार पे दी गई शक्तियाँ होती हैं। अनुच्छेद संविधान का जो 352वां है उसमें आपातकाल का ब्यौरा है, और ये कहा गया है, मतलब आपातकाल का और भी प्रावधान हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित, ध्यान से देखिएगा, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार हैं उनकी बात हो रही है, तो अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मूल अधिकार हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे, उनको स्वतः ही निलंबित समझ लिया जाएगा अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है तो। और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त होती है। ये सब पूछा जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत ये पावर दी गई। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो प्राप्त मूल अधिकार हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये एक कंडीशन है इसमें। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित किसी ऐसे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार में दिए गए किसी उपबंध की असंगति में आते हैं, मतलब उससे तालमेल नहीं बिठा पाते। सेवा के अधिकार की अवधारणा, यहाँ आप देखें, सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम से शुरू होती है, और इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर, ध्यान से देखिएगा, राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है, ये गारंटी राज्य देता है, ध्यान दीजिएगा, और इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है, आजकल ये बहुत चर्चा में है सिटीजन चार्टर, और भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का जो प्रयास है वो द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड लिमिट ऑफ माफ कीजिए टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस बिल 2011, इसके माध्यम से किया गया था, लेकिन असल में दिक्कत ये आई कि ये पारित नहीं हो पाया, लाख प्रयास के बावजूद ये पारित नहीं हो पाता है। मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला राज्य हालांकि बन गया, पूरे देश में नहीं हो पाया, ये प्रयास हुआ था लेकिन ये हो नहीं सका, मध्य प्रदेश में हुआ है तो ये देश का पहला राज्य बना, और ये कानून 18 अगस्त 2010 को लागू किया गया। दूसरा राज्य बन गया बिहार, बिहार में ये 2011 में 25 जुलाई को लागू हो गया था। इसके बाद एक और चीज़ है, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ये संसद में 1976 में पारित होता है, और इसका उद्देश्य आप जानते हैं बधुआ श्रमिकों को सिर्फ मुक्त नहीं करना बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बधुआ मजदूरों को कहीं ना कहीं वो बंधक बना के उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, तो वहां से आप मुक्त करा के उन्हें स्वतंत्रता तो दे देंगे लेकिन उनका खाने खर्चे का ठिकाना तो उजड़ जाएगा ना, वहां भले ही वो उन्हें बंधक बना के रखा गया था लेकिन कम से कम जिंदा रखने पर भोजन तो मिल रहा था, तो आप वो भी अधिकार छीन लेंगे, ठीक है, तो इसलिए पुनर्वास की व्यवस्था करना भी उसमें शामिल है। थोड़ा सा सामान्य हिंदी को देख लेते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आप देख रहे हैं, और यहाँ आप देखें गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र जो है उसको हम कहते हैं अंतेवासी, ठीक है, अंतेवासी कहा जाता है, और जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसको अंत्यज कहा जाता है, शूद्र नहीं कहा जाता, ध्यान दीजिएगा शूद्र यहाँ लिखा है लेकिन शूद्र जो है वो चार वर्णों में सबसे अंतिम वाला होता है, मतलब शूद्रों के अलावा भी कुछ ऐसी कैटेगरी जो पुराना समाज था उसमें हुआ करती थी जो एकदम ही अछूत माने जाते थे, ठीक, शूद्रों को कुछ अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था,
पहले के समय में ये भेदभाव पनपा, मतलब कर्म आधारित व्यवस्था जब समाप्त होकर वर्ण में आ गई और जन्म आधारित उसको कर दिया गया, तो जो अभिजात्य वर्ग था वो अपना आधिपत्य जमाना चाहता है तो नीचे वालों का शोषण करता है, उनके अधिकार छीनते जाता है, तो महिलाओं की दशा और शूद्रों की दशा बिगड़ती जाती है। तो ये सामाजिक बुराई पनपती है, लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरी ऐसी हुआ करती थी जो कि शूद्रों के भी अन्यत्र होती थी, और इसमें भंगी लोग आते थे, चांडाल आते थे, जो दाह संस्कार करने वाले, दाह कर्म करने वाले, डोम होते थे, वो आते थे। ठीक, तो इस तरह की वैरायटी आती थी। कुछ जो है वो मैला ढोने की कुप्रथा में शामिल होते थे, तो उनसे भी शरीर का स्पर्श करवाना वर्जित होता था। तो इस तरह के जो लोग होते थे उनको अंत्यज कहा जाता था, ये और नीचे माने जाते थे। कुल मिलाकर किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का जो खेल होता है इसको अंत्याक्षरी कहा जाता है। हम लोग आम भाषा में अंताक्षरी कहते हैं, शुरू करूँ अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, तो ये समय बिताने वाला काम होता है। अंत्याक्षरी, अंत्य अक्षरी, मतलब जहाँ पे किसी गीत का या काव्य की पंक्ति का समापन हुआ उसका अंतिम अक्षर उठा के वहाँ से फिर दूसरा वाला जो पार्टी है वो गाना शुरू करता है। जो गिना ना जा सके अनगिनत कहा जाता है, उसको अगर शुद्ध बोले तो अगणित कहा जाता है। दूर तक फैलने वाला जो बहुत विनाशक अग्निकांड होता है, मतलब विध्वंसक आग फैलती है, उसको अग्निकांड कहा जाता है। जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत है, और जो पढ़ा न गया हो वो अपठित। जो काम स्वभाववश किया जा सके, मतलब किसी काम को स्वभाववश करते रहने की जो क्रिया होती है उसको अभ्यस्त कहा जाता है, माफ कीजिए अभ्यास कहा जाता है। और अगर कोई व्यक्ति स्वभाववश किसी काम को निरंतर कर रहा है तो उसको कहेंगे कि वो इस चीज़ का अभ्यस्त है। तो अभ्यास और अभ्यस्त की परिभाषा। जिसका वर्णन न हो सकता हो वो अवर्ण्य है, और जो स्त्री सूर्य न देख पाती हो वो असूर्यम पश्य है। अब क्या उसे दिनौधी होती है? नहीं, ये उस समय की बात है जब पर्दा प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी। महिलाओं को एकदम ढक कर रखा जाता था कि भाई उसके पति के अलावा और उसके जो अपने स्वजन हैं उनके अलावा कोई देख ना पाए, तो ऐसा ढक कर उन्हें पर्दे के अंदर बंद करके रखा जाता था। और जो राजसी महिलाएं होती थी उनकी तो और बुरी गति थी मध्यकाल में, उनके लिए रनिवास और हरम हुआ करते थे। जहां पे उन्हें बंद एक बार कर दिया, जो ब्याह कर लाई गई तो बंद हुई सो हुई, उसके बाद फिर निकलने की अनुमति नहीं होती थी। निकलती भी थी तो डोली पालकी में निकलती थी, बाहर झांकना वर्जित होता था। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की किरणों के लिए वो तरस जाती थी, तो उनके लिए नाम ही पड़ गया असूर्यम पश्या, मतलब ऐसी नारी या ऐसी स्त्री जिसको कि रनिवास के पर्दों में ऐसा ढका गया हो कि सूर्य की किरणें भी उसका दर्शन ना कर पाए इसके बाद, और वो सूर्य को न देख पाए। जिस लड़की का विवाह नहीं हुआ हो वो कुमारी होती है, अगर लड़के का विवाह नहीं हुआ है तो वो कुमार होता है, कुंवारा बोलते हैं आमतौर पर, कुंवारी और कुंवारा। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो वो अंतर्यामी है, भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। जो पहले कभी न हुआ हो वो अभूतपूर्व है, और जो शोक न करने योग्य है वो अशोक्य है। ध्यान दीजिएगा, जो शोक न करने योग्य है वो अशोच्य या अशोक्य है, दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं, अशोच्य भी और अशोक्य भी। लेकिन अशोक किसको कहते हैं? जिसे कि कोई शोक ही न हो। और जो खाने योग्य न हो वो अखाद्य है, जो पिया न जा सके या पीने योग्य न हो वो अपेय है, जिसके टुकड़े ही न हो सके या वो या टुकड़े न किए गए हों वो अखंड है, जिसका खंडन न किया जा सके वो अखंडनीय है, जिसके खंड हुए न हो वो अखंडित है, जो छीण न हो सके वो अक्षर है। ठीक है, जो छीण न हो सके वो अक्षर है, जिसका कि क्षरण न हो। जो निंदा के योग्य न हो वो अनिंदनीय है, जो वंदना के योग्य न हो वो अवंदनीय है, जो वंदना के योग्य न हो वो अवंदनीय है, जिसकी गहराई या था का पता न चल सके वो अथाह है, जिसे कि अगाध भी कहा जाता है, गाध मतलब होता है गहराई। और जो गाए जाने योग्य हो वो अगेय है, जो गाए जाने योग्य न हो वो अगेय है, और जो गाए जाने योग्य हो वो गेय है। जो चिंता के योग्य न हो वो अचिंत्य है, अचिंतनीय भी कहा जा सकता है, जिसमें चेतना ही नहीं है वो अचेतन है, जो छेदा ना जा सके वो अछेद्य है, अभेद्य भी कहा जा सकता है। और इसके बाद और भी हैं, जैसे जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अतीन्द्रिय भी कहा जाता है, जो इंद्रियों की क्षमता से परे है। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसको अमानत कहा जाता है, जो बीत चुका है वो अतीत है, जो दिखाई न पड़े वो अदृश्य होता है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष भी कहा जा सकता है। जो सदा चलता आ रहा है वो सनातन है, अनवरत भी कहा जा सकता है। जो कभी नहीं मरे वो अमर्त्य है, जो आगे की न सोचता हो वो अदूरदर्शी है, और आगे की सोचे तो हटा दीजिए, जो आगे की सोचता हो वो अग्रसोची भी कहा जाता है। दूरदर्शी के अलावा उसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है जो कि है अग्रसोची, जिसका मन कहीं और लगा हुआ है तो वो अन्य मनस्क होता है, कहा जाता है ना अन्य मनस्क है, अनमना है। अब इधर वाला राइट साइड वाला देख लेते हैं, तो राइट साइड वाले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली जो प्रेरणा होती है उसको अंतः प्रेरणा कहा जाता है। ये आप देखिए, धरती और आकाश के बीच का स्थान जो है उसको अंतरिक्ष नहीं कहते हैं, त्रिशंकु कहते हैं, वैसे जो विकल्प होते हैं उसमें आमतौर पर अंतरिक्ष दिख जाता है। इसके बाद मन में होने वाला जो स्वाभाविक ज्ञान है वहाँ अंतर्ज्ञान शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे। जिसका कोई अर्थ ना हो वो अर्थविहीन होता है। आगे बढ़कर स्वागत करना अगुवानी कहलाता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय होता है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है, मतलब मौजूद है कुल मिलाकर, उसको अंतर निर्विष्ट कहा जाता है। ठीक है, अंतर्विष्ट भी कहते हैं, अंतर निर्विष्ट भी कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो अनाक्रांत है, और आक्रमण किया गया हो तो आक्रांत है।
जिसे जीता ना जा सके वो अजेय है, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक होता है, और जिसका जन्म पहले हुआ है वो बड़ा भाई यानी अग्रज कहलाता है कुल मिलाकर, और पीछे हुआ है तो अनुज कहलाएगा, छोटा भाई होगा। छोटी बहन को अनुजा कहा जाता है और बड़ी बहन है तो उसको अग्रजा कहेंगे। इसके बाद आप देखें दोपहर के बाद का जो समय है उसको अपराह्न कहते हैं, जिसकी गिनती पहले हो वो अग्रगण्य होता है, ठीक है, जिसकी गिनती पहले हो वो अग्रगण्य होता है। और आप देख लीजिए जो पराजित न किया जा सके वो अपराजेय होता है, जो पढ़ा न जा सके वो अवाच्य या अपठनीय होता है। अन्य भाषा में परिणति यानी परिवर्तन करना, इसको रूपांतरण कहा जाता है, अनुवाद भी कहा जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक क्रम से आपने देखा ना, अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना यानी अतिशयोक्ति, अतियुक्ति भी कहा जाता है उसको, वही बात है। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना यानी अगवानी करना, जिसका परिहार, मतलब परिहार का तात्पर्य क्या होता है, त्याग करना, तो त्याग न हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके वो अपरिहार्य होता है। कहते हैं ना कि ये जो परिस्थिति है ये अपरिहार्य है, मतलब इसका हम त्याग नहीं कर सकते, इसे सामना करना ही पड़ेगा। जिसका अनुभव किया जा सका, जा चुका हो, वो अनुभूत होता है, ठीक है, अनुभूति के आधार पर हमने ये निर्णय लिया है, मतलब जिसको हमने पीछे अनुभव किया था उसी के आधार पर हम ये फैसला ले रहे हैं। जो पहले दे दिया जाए वो देय होता है, प्रदत्त होता है, माफ कीजिए, जो पहले दे दिया जाए यानी पहले से ही दे दिया गया है तो वो प्रदत्त है, ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले से दे दी है यानी प्रदत्त। और भी शब्द होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा शब्द एक जगह के लिए सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखें, जो सबके आगे रहता हो या सबसे आगे रहे वो अग्रणी होता है, जिसे जीतने वाला कोई दुश्मन ही नहीं जन्मा हो वो अजात शत्रु होता है, मतलब जिसका कि कोई जन्मजात शत्रु ही नहीं है वो अजात शत्रु है। जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन होता है, जो कानून के प्रतिकूल हो या नीति के विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाता है या अविधिक कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वो अप्रमेय है, जो तौला या नापा न जा सके वो अपरिमेय है, जो समय पर न हो वो असामयिक है, जो अवश्य ही हो वो अवश्यंभावी है, और जिसका विवाह न हुआ हो वो अविवाहित है। कुछ और है आप देख सकते हैं, जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत होता है, और जिसका उच्चारण न किया जा सके वो अनुचरित होता है। परंपरा से चली आ रही बात जो होती है या उक्ति या कथा होती है उसको अनुश्रुति कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया वो अश्रुत पूर्व होता है, जिस किसी वस्तु का जो भीतरी भाग है उसको अभ्यंतर कहा जाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जो है उसको अभीप्सा कहा जाता है। न हो सकने वाला अशक्य होता है, ठीक है, अशक्य मतलब जो न हो सके। जिसका जन्म अंडे से हुआ है वो अंडज है, पक्षी जो है वो अंडज होते हैं। जो विधान या नियम के विरुद्ध होता है उसको असंवैधानिक या अवैधानिक कहते हैं, ये आपने देखा। जिसकी बाहें घुटने तक या जांघों तक तो होती हैं सभी की, लेकिन घुटने तक जिसकी बाहें पहुंच जाए उसको आजानुभुज कहा जाता है या आजानुबाहु कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम आजानुबाहु थे। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, मतलब गुरु के समीप रहकर ज्ञान अर्जन करने वाला जो विद्यार्थी होता है उसको अंतेवासी कहा जाता है, और अपराध से संबंधित यानी आपराधिक। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए वो अधिपत्र या अधिकार पत्र होता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत होता है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी या सर्वाधिक अधिकार प्राप्त जो शासक होता है उसको अधिनायक कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जो थके नहीं लगातार काम करता रहे उसको अथक कहते हैं, कहते हैं अथक परिश्रम किया। और जो व्यय न किया जा सके वो अव्यय होता है। जिसका उत्तर न दिया गया हो वो अनुत्तरित होता है। जिसका आदि और अंत न हो वो अनाद्यंत होता है, अनाद्यंत कहा जाता है, शाश्वत भी बोलते हैं। जो बदला न जा सके, बताइए इसका क्या होगा, वो अपरिवर्तनीय होता है। तो यहाँ तक हमने इसे देखा है, इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।